हाय फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ सेमी सॉलिड मिक्सिंग एंड सिल्वर सन इमल्सीफायर, व्हिच इज द टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट थर्ड लेक्चर फोर्थ बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर। इट इज़ माय फोर्थ लेक्चर एंड लास्ट ऑफ दिस यूनिट मिक्सिंग सेमी सॉलिड मिक्सिंग। मिक्सिंग मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। इसमें जो मिक्सिंग का मैकेनिज्म है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। मीन्स की विस्कस है या लिक्विड फॉर्म में है कि या कम विस्कस है, कैसा भी हो उसका नेचर होता है। सेमी सॉलिड्स फॉर्म न्यूट्रल मिक्सचर्स सोलिटरी टेंडेंसी या सेग्रीगेशन। जो सेमी सॉलिड के न्यूट्रल मिक्सचर्स होते हैं वो सेग्रीगेशन की लेस टेंडेंसी रखते हैं। मेजर प्रॉब्लम इज पुअर फ्लो करेक्टरिस्टिक्स। जो सेमी सॉलिड मिक्सिंग है उनमें जो मेन प्रॉब्लम होती है, अगर क्योंकि वो सेमी सॉलिड है इसलिए वो विस्कस होते हैं, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिससे उनका पुअर फ्लो होता है, इसीलिए उसमें मिक्सिंग की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उसमें जो डिफ्यूजिव और कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग है ये पॉसिबल नहीं होता है। डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है मीन्स किसी को हम स्प्रेड करके जब मिक्स करते हैं, तो कॉन्वेक्टिव में मिक्सिंग में तो इसमें जो है कॉन्वेक्शन होता है तब मिक्सिंग पॉसिबल होता है। हेंस मिक्सर्स विथ हाई मिक्सिंग कैपेसिटी आर जनरली एम्प्लॉयड। इसीलिए इसमें जो मिक्सिंग होती है उसके लिए जो मिक्सर अप्लाई किए जाते हैं वो हाई कैपेसिटी होनी चाहिए, उनकी क्षमता जो है अधिक होनी चाहिए। सिल्वरसन इमल्सीफायर। इक्विपमेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज नोन एज इमल्सीफायर। जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसको हम इमल्सीफायर कहते हैं, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो इमल्सन बनाने के लिए किया जाता है। इसको हम होमोजिनाइजर भी बोलते हैं। होमोजिनाइजर आर यूज टू कन्वर्ट कोर्स इमल्सन टू फाइन इमल्सन। मीन्स अगर कोई इमल्सन हमने तैयार किया है उसमें जो पार्टिकल्स हैं अगर वो थोड़े बड़े साइज के हैं तो उनको हम जब फाइन करने के लिए उपयोग करते हैं उसी को होमोजिनाइजर बोलते हैं, और जो सिल्वरसन इमल्सीफायर है वो इसी पर वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ सिल्वरसन इमल्सीफायर। सिल्वरसन होमोजिनाइजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेट द लार्ज ग्लोब्यूल्स इन अ कोर्स इमल्सन आर ब्रोकन इन टू स्मॉलर ग्लोब्यूल। इसमें जो हम लेते हैं मटेरियल वो की जो है उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, उनको तोड़ कर छोटे ड्रॉपलेट्स में, मीन्स जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ कर छोटे ग्लोब्यूल्स में, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में शेयर कर देना, मीन्स कट करके छोटा कर देना, जिसमें जो इंटेंस शेयरिंग फोर्स लगता है द टर्बुलेंस बाई हाई स्पीड, उसमें टर्बुलेंस फ्लो होता है हाई स्पीड रोटेटर्स के साथ। तो सिल्वरसन इमल्सीफायर मेनली वर्क करता है जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनको तोड़ कर ये छोटे में कर देता है। बस ये मेन पॉइंट है इसका। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिल्वरसन इमल्सीफायर। इट हैज लॉन्ग सपोर्टेड कॉलम्स कॉन्सिस्ट ऑफ अ इमल्सीफायर हेड विच कॉन्सिस्ट अ नंबर ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक इमल्सीफाइंग हेड है, इसको यहाँ पर ये जो है ये ओपन स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें जो टर्बाइंस लगे हुए हैं सर्कुलर मेस है, सर्कुलर कवरिंग ऑफ द हेड है, इमिसिबल लिक्विड है। इसमें जो सर्कुलर मेस है उसमें तो जो है ड्रॉपलेट्स हैं वो छनती हैं, छनती रहती हैं तथा छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटती रहती हैं। टर्बाइंस हैं उनको इंटेंस शेयरिंग जो होता है वो टर्बाइन ब्लेड्स के द्वारा होता है। ब्लेड्स आर सराउंडेड बाई अ मेस, मीन्स जो मेस लगा हुआ है वो टर्बाइन को सराउंड कर रखा है, ब्लेड्स को सराउंड कर रखा है। व्हिच इज फर्दर इनक्लोज बाई कवर हैविंग परफोरेशंस, जो अगेन है इनक्लोज रहता है परफोरेशंस कवर के द्वारा। इसमें से रोटेटिंग शेफ्ट लगे होते हैं यहाँ पर, और वो मोटर के द्वारा जो है रोटेट कराए जाते हैं जिससे इसमें इंटेंस एयरिंग फोर्स लगता है और ये बड़े ड्रॉपलेट्स से छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटते रहते हैं। वर्किंग। इमल्सीफायर हैड डिप्ड इनटू द बेजल कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड्स। जो इमल्सीफायर जो मटेरियल हमने ले रखा है उसमें जो इमल्सीफायर है उसको हम डिप्ड कराते हैं, मोटर स्टार्ट होता है, शेफ्ट रोटेट करते हैं, शेफ्ट रोटेट्स एट द हेड, जो मोटर है वो स्टार्ट होता है जिससे जो इमल्सीफाइंग हेड है वो भी रोटेट करते हैं, टर्बाइन ब्लेड्स आल्सो रोटेट। ए प्रेशर डिफरेंस इज
क्रिएटेड, इसमें जो है एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जो है वो टरबाइन ब्लेड्स जो रोटेट करते हैं, जिससे इनमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वर्क करता है। आप आगे इसको देखेंगे, लिक्विड सक थ्रू द फाइन होल, जो नीचे है इसमें होल लगा रहता है। आज जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने तीर के द्वारा नीचे दर्शाया हुआ है, यहाँ पर ये जो है यहाँ से जाता है अंदर, जो हमारा मटेरियल ले रखा है हमने मिक्स करने के लिए, वो इसी के द्वारा इमिसिबल लिक्विड अंदर जाता है फाइन होल के द्वारा। टर्बाइन ब्लेड्स आल्सो रोटेट, हाँ, लिक्विड सक थ्रू द फाइन होल, लिक्विड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज मिक्सिंग एक्शन, जो लिक्विड है वो वर्क करते हैं इंक्रीज मिक्सिंग के लिए, मिक्सिंग एक्शन एक्शन जो है यहाँ पर इंक्रीज होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपेल कॉन्टेंट थ्रू मैस सब्जेक्ट टू मैकेनिकल से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स एक ऐसा बल है जो किसी भी मटेरियल को उसके सेंटर से दूर फेंकता है, मीन्स उसमें जो मटेरियल जा रहा था, हमने जो ले रखा है वो फाइन होल से जा रहा था, मीन्स उसको बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर लगता है वो उस मटेरियल को बाहर दूर दूर करता है, फेंकता है, जिससे वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ग्लोबुल्स क्विकली रिजल्टिंग इन अ होमोजीनस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, जिससे जो ग्लोबुल्स हैं वो फाइनली मिक्सिंग कन्फर्म हो जाते हैं, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। फाइन इमल्सन इमर्ज थ्रू ओपनिंग एट द कवर, जो फाइन इमल्सन है वो उसको हम कवर कर लेते हैं ओपन करके। बिगर ग्लोबिल ब्रेक इंटू स्मॉलर, मीन्स ये इसमें मेन होता है जो बिगर ग्लोब्यूल्स हैं, बिगर ड्रॉपलेट्स हैं, उनका ब्रेक हो जाता है इंटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। यूजेज ऑफ सिल्वरसन इमल्सीफायर फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्रीम्स ऑइंटमेंट्स फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इमल्सन ऑफ फाइन पार्टिकल्स साइज, इन सभी को बनाने के लिए जो है सिल्वरसन इमल्सीफायर का यूज किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ सिल्वरसन इमल्सीफायर, प्रोसेस इफिशियंसी इज गुड, जो इसकी प्रोसेस इफिशियंसी में जो क्षमता होती है इसकी ये वर्क मिक्स वर्क करने की, वो अच्छी होती है, कुशल होता है इस मिक्सिंग के लिए। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी लो होती है। सिल्वरसन मिक्सर फास्ट एंड इफिशियंट, जो सिल्वरसन मिक्सर है वो फास्ट वर्क करता है तथा जो जो वर्क करता है वो एकदम प्रॉपर होता है। डिस एडवांटेज ऑफ सिल्वरसन इमल्सीफायर, चांस ऑफ चोकिंग ऑफ पोर्स ऑफ मेस, जो इसमें मेस लगी होती है उसमें जो पोर्स होते हैं उसमें जो मटेरियल है वो, क्योंकि सेमी सॉलिड है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो विस्कोसिटी होती है, जिससे वो फंस जाते हैं उसमें और जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, इसीलिए इसमें चांस ऑफ चोकिंग जो होता है ये ज़्यादा रहता है। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई जिस डी, यू कैन फाउंड ऑल नोट्स ऑफ पी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम माई व्हाट्सएप ग्रुप एंड बाय माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।